नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जितने भी कंपनियां हैं उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान के प्राइस को हाइक कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया है। यहां पे हाँ, अगर हम चाहते हैं कि अपना सिम चालू रखना तो हमें मिनिमम बैलेंस कितने का डलवाना है, या फिर कभी कभी हम जो रहता है इंटरनेट का यूज़ जो करते हैं बहुत कम करते हैं, या फिर हम नाम मात्र का यूज़ करते हैं और कभी कभी हमारा जो इंटरनेट है ख़त्म हो जाता है, तो हम इंटरनेट के लिए कौन सा पैक डलवाएं, यानी कि डाटा बैलेंस के लिए कौन सा पैक डलवाना या फिर कौन सा प्लान लेना हमारे लिए सही होगा। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रोजाना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियो, एयरटेल और वीआई की। तो यहाँ पर जो जियो है वो आपको ₹15 में 1 GB डाटा देता है। इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो आपके एक्टिव प्लान पर रहती है, यानी कि आपका जो भी प्लान है वो चलता रहेगा तो उसी प्लान पर ये भी प्लान चलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों, जो एयरटेल देता है वो आपको ₹58 में आपको दिखता है, नो वैलिडिटी यानी कि कोई वैलिडिटी नहीं मिलती है, लेकिन आपको 3 GB डाटा पैक देखने को मिलता है। उसके बाद आपको ₹19 में जो देखने को मिलता है वो आपको 1 GB देता है आपका वीआई 24 घंटों के लिए। यहाँ पे कोई भी वैलिडिटी नहीं रहती है, यानी कि आपको 24 घंटे के अंदर ये डाटा यूज कर लेना है। दोस्तों दूसरे प्लान की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको ₹25 में जो जियो है वो आपको 2 GB डाटा मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नो वैलिडिटी, यानी कि आपके एक्टिव प्लान पे चलेगा। उसके साथ ही आपको एयरटेल जो देता है वो ₹98 में देखता है 5 GB डाटा, जो कि आपको जब तक आपका रिचार्ज रहेगा तब तक चलेगा। यहाँ पे वैलिडिटी की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है। वहीं पे एयरटेल आपको ₹48 में 2 GB डाटा देता है 21 दिनों के लिए। यहाँ पे जो वीआई है वो आपको ₹10 बढ़ा के 3 GB डाटा देता है और 28 दिनों के लिए देता है, कोई भी वैलिडिटी नहीं देता, यानी कि आपका जो भी एक्टिव प्लान है उस पे ही ये 3 GB डाटा यूज करना है आपको। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वीआई आपको ₹98 में 9 GB डाटा देता है 21 दिनों के लिए। यहाँ पे आपको कोई भी वैलिडिटी प्लान देखने को नहीं मिलता है इसके साथ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको ₹61 में देता है जो जियो आपको 6 GB डाटा मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी एक्टिव यानी कि वैलिडिटी प्लान देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल में आपको ₹108 का 6 GB डाटा मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी एक्टिव यानी कि वैलिडिटी प्लान नहीं दिखता है। यहाँ पे आपको अमेजोन मोबाइल एडिशन का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है और वीआई की तरफ से ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एयरटेल की तरफ से 12 GB डाटा मिलता है ₹118 में, और आपको यहाँ पे कोई भी वैलिडिटी देखने को नहीं मिलती है। जो भी आपका एक्टिव प्लान रहेगा उसी पे चलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको ₹118 में 12 GB डाटा मिलता है, यानी कि सेम प्लान एयरटेल की तरह आपको वीआई में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 28 दिनों की वैलिडिटी देखने को मिलती है, जो कि एयरटेल में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आपका इनकमिंग चालू रहेगा, आपके मैसेज आएंगे, आपके कॉल्स आएंगे, यही इसका बेनिफिट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको जियो की तरफ से मिलता है ₹121 का रिचार्ज, जहाँ पे आपको 12 GB डाटा मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कोई भी एक्टिव वैलिडिटी प्लान देखने को नहीं मिलता है। और बात करें हम एयरटेल की, तो एयरटेल की तरफ से आपको ₹148 का प्लान देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 15 GB डाटा मिलता है और यहाँ पे आपको कोई भी वैलिडिटी प्लान देखने को नहीं मिलता है। बात करें वीआई की, तो वीआई अपना जो प्राइस है वो लाया है ₹298। यहाँ पे आपको 50 GB डाटा देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो 50 GB डाटा है वो आपको 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। जहाँ पे जो जियो है, एयरटेल है, वो आपको वैलिडिटी प्लान नहीं देते हैं, वहीं पे आपको वीआई जो है वो वैलिडिटी प्लान दे रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे वीआई और एयरटेल आपको नए नए प्लान दे रहे हैं। जैसे कि ₹301 में आपको एयरटेल दे रहा है 50 GB डाटा, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैलिडिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वीआई आपको दे रहा है ₹418 में 100 GB डाटा, वो भी 56 दिनों के लिए, यानी कि 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ। यहाँ पे आपका इनकमिंग चालू रहेगा और इनकमिंग मैसेज भी चालू रहेगा, लेकिन आपका जो आउटगोइंग मैसेज है या फिर आउटगोइंग कॉल्स है वो चालू नहीं रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो दो सिम है यानी कि जियो और एयरटेल में आपको वैलिडिटी प्लान देखने को नहीं मिला है, वहीं पे आपको जो वीआई है वहाँ पे आपको वैलिडिटी प्लान देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बस इतना सा ही था इस वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपको जो डाटा प्लान है यानी कि इंटरनेट पैक है वो कौन सा लेना चाहिए और कौन से सिम का लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी इनकी ज़रूरत है, और आप एक कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।